माइंडफुलनेस क्या होता है? माइंडफुलनेस का मतलब आपका जो दिमाग है वो इस क्षण में 100% प्रेजेंट है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका दिमाग कहीं भटका नहीं हुआ है। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आप उसी कॉन्वर्सेशन में 100% है। प्रोडक्टिविटी का मतलब कि आपके एफर्ट्स की इफेक्टिवनेस कितनी है, आपकी कोशिश का प्रभाव कितना अच्छा है या नहीं। अक्सर ये दो कॉन्सेप्ट्स बहुत अलग अलग तरीके से जिंदगी में अपनाए जाते हैं। प्रोडक्टिविटी और माइंडफुलनेस को बहुत अलग विपरीत ऑपोजिट एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम माना जाता है, लेकिन मेरा यह मानना है कि इनका इंटरसेक्शन कुछ अनलॉक करता है, समथिंग वेरी स्पेशल जो इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले माइंडफुलनेस को समझने की कोशिश करते हैं। माइंडफुलनेस होता है कि जब आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी काम में एकदम मग्न है, आप कुछ सोचने लग जाते हैं, कहीं कुछ ख्याल आ जाता है, कुछ करना है, एक टू डू लिस्ट बनने लगती है, ओह वो चीज भूल गए, अरे वो करना था, उसको वो लिखना है, उसको वो भेजना है, एंड यू गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मोमेंट। या अगर कोई कॉन्वर्सेशन चल रही होगी और आपने अपना फोन उठा लिया, यू फोर्स द डिस्ट्रैक्शन इनटू दैट कॉन्वर्सेशन। माइंडफुलनेस ये इंश्योर करता है कि आप किसी भी क्षण में, किसी भी मोमेंट में 100% प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहे हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ दैट इज फ्रॉम महाभारत। महाभारत में याद है एक मोमेंट होता है जब द्रोणाचार्य सब पांडवों को तीर कमान सिखा रहे होते हैं, एंड वो एक एक करके पांडवों को बोलते हैं कि उस पेड़ पे ना एक चिड़िया है और इस चिड़िया की आंख को आपने तीर से मारना है। एंड देन युधिष्ठिर कम्स एंड फिर द्रोणाचार्य पूछते हैं कि युधिष्ठिर आपको क्या दिख रहा है। युधिष्ठिर बोलते हैं कि मुझे गुरुजी चिड़िया दिख रही है, पत्ते दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, बादल दिख रहा है। ओके वेल डन। नेक्स्ट फिर भीम से पूछते हैं आपको क्या दिख रहा है, वो भी कुछ ऐसा ही। फिर फाइनली अर्जुन पे आते हैं एंड अर्जुन से द्रोणाचार्य पूछते हैं कि अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है, एंड अर्जुन बोलते हैं गुरुजी मुझे सिर्फ एक चीज दिख रही है, आंख, मात्र आंख, और कुछ नहीं। जो तुम्हारे भाइयों को दिख रहा है वो तुम्हें नहीं दिखाई देता, पक्षी, वृक्ष, शाखाएं, फल, अंधे हो क्या? मेरी आंख मात्र पक्षी की आंख देख रही है आचार्य। That is not focus, it's also mindfulness. कि उस मोमेंट पे जो चीज आपको सबसे ज्यादा जरूरी है फोकस करने की, आप सिर्फ उसी चीज पे फोकस करते हैं, everything else becomes a distraction. और अगर आप distract होते भी है ना, the next thing about mindfulness is you're instantly aware कि आप distract हो चुके हैं। आप जैसे ही अपने ख्यालों में भटकना शुरू करते हैं, आप वाकिफ हो जाते हैं कि मेरे ख्याल कहीं और चले गए हैं, मैं इस moment में नहीं हूं, and then you bring yourself back into that moment. Mindfulness हमारी जिंदगी में कैसे लाया जाए? One of the most effective ways of doing that is meditation. मैं पिछले 7 साल से मेडिटेट करता आ रहा हूँ। पिछले 1500 दिनों में मोटा मोटा मैंने एक भी दिन गवाया नहीं है when it comes to my meditation. रोज सुबह उठ के 30 मिनट ध्यान, आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ अपने थॉट्स पे फोकस करना, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना, एंड अवेयर रहना कि आप भटक चुके हैं, उस ख्याल को रिकॉग्नाइज करना और वापस मोमेंट और वापस अपनी सांसों पे आ जाना। दैट इज अ ग्रेट वे टू बिकम माइंडफुल। जर्नलिंग इज अ ग्रेट वे टू बिकम माइंडफुल। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे ना। इसका मतलब ये है कि आप जब भी डिस्ट्रैक्ट होंगे, यू आर अवेयर ऑफ दैट मोमेंट, यू अलाउ दैट डिस्ट्रैक्शन टू हैपन, रिकॉग्नाइज इट एंड कम बैक टू द प्रेजेंट। जर्नलिंग इस चीज में हेल्प करता है। व्हेन यू आर राइटिंग, आप अपने ख्यालों को स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि लिखना बहुत स्लो एक्टिविटी है। बोलना आसान है, सुनना आसान है, देखना आसान है, सूंघना आसान है, महसूस करना आसान है, लेकिन लिखने में वक्त लगता है। तो जो भी आपके करोड़ों ख्याल हैं अपने दिमाग में, उसको लिखते हुए आप अपने दिमाग को बोलते हैं कि दोस्त ठहर जा, इतने सारे करोड़ ख्याल मैं एक ही साथ लिख नहीं सकता, तो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखनी है। एंड दैट हेल्प्स योर माइंड पेस डाउन एंड बी अवेयर कि आप क्या सोच रहे हैं और उनमें से कौन सी चीज सबसे ज्यादा जरूरी है लिखने के लिए। योगा ऑफ कोर्स इज अ ग्रेट वे टू बी माइंडफुल, क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग को फिट बनाता है, इट ऑल्सो अलाउज यू टू ब्रीद एंड ब्रीद वेल, टू रिकॉग्नाइज कि आप उस मोमेंट में सबसे ज्यादा जरूरी काम क्या कर रहे हैं, एंड अगेन टू बी माइंडफुल ऑफ दैट प्रेजेंट मोमेंट। एंड जैसे ही आप अपनी जिंदगी में माइंडफुल होना शुरू हो जाते हैं ना,
यू बिगिन टू एंजॉय लाइफ इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। सोचिए कि आप खाना खा रहे हैं एंड खाना खाते कुछ देख नहीं रहे, कुछ पढ़ नहीं रहे, कुछ सुन नहीं रहे, आप हर एक निवाला महसूस कर रहे हैं। यू कैन फील द राजमा चावल और द बर्गर और दैट व्हाटएवर इज इट दैट यू आर ईटिंग एंड दैट बिकम्स द प्रेशियस मोमेंट। आप सांसें ले रहे हैं और आप हर एक सांस को महसूस कर पा रहे हैं। When I meditate, अक्सर होता है कि कहीं खुजली होनी शुरू हो जाती है एंड इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू स्क्रैच इट इंस्टेंटली, मैं उस चीज पे अपना ध्यान फोकस करता हूँ। एंड इट्स अमेजिंग कि जब भी मैं ये करता हूँ, धीरे 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 करके वो खुजली चली जाती है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ आई एम इनविजिबली स्क्रैचिंग माई इच वाइल नॉट डूइंग इट फिजिकली। प्रोडक्टिविटी ऑन द अदर हैंड साउंड्स लाइक एकदम टाइम मैनेजमेंट निंजा बन जाएंगे, खट 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 सारा काम हो जाएगा, दिन में जो भी है वो अकम्प्लिश हो जाएगा। एंड इट फील्स सो डिफरेंट फ्रॉम माइंडफुलनेस, राइट? माइंडफुलनेस में ऐसा लगता है कि आप धीरे से काम कर रहे हैं, आप हर चीज को महसूस कर रहे हैं। एंड प्रोडक्टिविटी इज लाइक ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इट्स अ वेरी डिफरेंट आर्ट। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, इनका इंटरसेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है। प्रोडक्टिविटी इज नॉट अबाउट कि आप एक दिन में कितना काम कर पाते हैं। प्रोडक्टिविटी इज कि आप कितनी सरलता से वो काम अकम्प्लिश करते हैं, कितनी रेगुलरिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी से उस काम को अकम्प्लिश करते हैं, एंड कैसे आप उस काम को अकम्प्लिश करते हुए बर्नआउट नहीं महसूस करते, एक तरीके के जेडेड बिहेवियर में नहीं जाते हैं जहां आपको लगता है थकी गए इस दिन में, भले काश ये दिन फिर से ना आए अपनी जिंदगी में। दैट्स नॉट बीइंग प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव इज कि आप हर रोज उठेंगे, जो भी काम करना होगा वो करेंगे, बिल्कुल शिद्दत के साथ करेंगे, एंड इट विल नॉट फील लाइक वर्क बिकॉज यू वुड हैव ऑर्गेनाइज्ड योर डे एंड योर मेंटल स्पेस इन सच अ वे कि यू आर बीइंग इफेक्टिव। एक एग्जांपल, टाइम ब्लॉकिंग। टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है? एक दिन में अगर आप अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करते हैं टू डू एन एक्टिविटी, आपको नहीं पता है कि वो एक्टिविटी 15 मिनट में होगी या 2 घंटे में होगी या उसके बीच में कहीं होगी, बट व्हाट यू से इज कि दिन के 3 घंटे फर्ज करिए आई एम गोइंग टू डू एक्स। वो एक प्रेजेंटेशन पे काम हो सकता है, वो पढ़ाई हो सकती है, रीडिंग हो सकती है, थिंकिंग हो सकती है, राइटिंग हो सकती है, आपका पैशन हो सकता है या आपका काम हो सकता है या कुछ भी और। एंड दोज 3 आवर्स आर डिवोटेड टू जस्ट दैट टास्क। आप टास्क में नहीं जा रहे हैं, टास्क में नहीं जा रहे हैं, आप हर आधे घंटे का एक स्केड्यूल नहीं बना रहे हैं, आपने एक बड़ा सा टाइम ब्लॉक कर लिया है टू फोकस ऑन समथिंग दैट अलाउज यू टू बी प्रिसाइज एंड इफेक्टिव। दिस हेल्प्स। पोमोडोरो टेक्निक एक और एग्जांपल, जहां आप 30-30 मिनट में काम करते हैं, एक ही काम पे फोकस करते हैं, लेकिन हर 25 मिनट बाद एक 5 मिनट की ब्रेक लेते हैं। इट इज प्रूवन टू हेल्प योर माइंड रिलैक्स, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो 30 मिनट के बाद बहुत फेडेड या टायर्ड होना महसूस करता है। सो इफ यू गिव इट दैट 5 मिनट ब्रेक, सिर्फ 5 ही मिनट चाहिए, योर माइंड कम्स बैक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक, एंड ये अगर आप 4 पोमोडोरोस तक करेंगे, मतलब 2 घंटे का स्ट्रेच, यू विल अकम्प्लिश अ लॉट मोर देन एनीवन एल्स। अपने वर्क स्पेस को क्लीन ऑर्गेनाइज रखना रिड्यूसेस द क्लटर। हर चीज को लिखना ताकि आपके पास हमेशा एक नोटबुक हो, नोटबुक में हर एक चीज रिकॉर्ड हो एंड यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग। हर एक चीज कैलेंडर में होनी चाहिए, हर एक चीज ईमेल के थ्रू होगी। आप किसी भी चीज को याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, आप अपना दिमाग सिर्फ करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, याद रखने के लिए नहीं। ऑल ऑफ दीज आर टिप्स अराउंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी पे मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं सो दैट यू गेट टू नो व्हाट आर द टिप्स एंड ट्रिक्स आई हैव यूज्ड टू बिकम प्रोडक्टिव इन माय लाइफ। लेकिन ये वीडियो है माइंडफुलनेस एंड प्रोडक्टिविटी का इंटरसेक्शन, उसके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहली चीज, जब आप माइंडफुल होते हैं यू आर ऑलवेज अवेयर ऑफ योर इमोशंस। इसका मतलब अगर आप सैड हैं, डिप्रेस्ड हैं, डिजेक्टेड हैं, एंक्शियस हैं, स्ट्रेस्ड हैं, या खुश हैं, हैप्पी हैं, जॉयफुल हैं, पीसफुल हैं, एक्साइटेड हैं, यू विल बी अवेयर ऑफ दैट इमोशन। ये माइंडफुलनेस का एक आउटकम है। नाउ इमेजिन ये अवेयरनेस आपकी प्रोडक्टिविटी को कैसे मैक्स बना सकती है, बिकॉज यू आर अवेयर कि कौन से दिन के फेज में आप कौन कौन से इमोशंस अक्सर महसूस करते हैं। वेन पीपल से कि मैं एक नाइट पर्सन या एक मॉर्निंग पर्सन, मुझे सिर्फ रात को काम करना अच्छा लगता है या सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है, वॉट डज दैट रियली मीन? इट मीन्स कि उस पॉइंट पे आर इमोशंस आर द मोस्ट पॉजिटिव एंड आई रिकॉग्नाइज दैट। मुझे पता चलता है कि कौन से चाल भाव में मैं अपने मैक्स पे
फील करता हूं. एंड इफ यू कंबाइन दैट विद बीइंग द मोस्ट प्रोडक्टिव, पिकिंग अप द हार्डेस्ट थिंग्स, जो सबसे मुश्किल काम आपको दिन में करना है, वो आप तब करेंगे जब आप सबसे पॉजिटिव फील कर रहे होंगे. यू बिगिन टू एक्सपीरियंस द इंटरसेक्शन ऑफ माइंडफुलनेस एंड प्रोडक्टिविटी. दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल ऑफ द मेनी थिंग्स दैट दिस इंटरसेक्शन अलाउज यू टू अचीव. अगर आप माइंडफुल हैं, यू आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द मोमेंट, एंड व्हेन यू प्रेजेंट इन दैट मोमेंट, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे. तो अगर आप पोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो 25 मिनट में, हाउ डू यू इंश्योर कि वो 25 मिनट का ही काम होगा, और 5 मिनट में हम जेन्युइनली 5 मिनट की ब्रेक लेंगे थ्रू माइंडफुलनेस. बिकॉज बहुत लोग होते हैं माइंडफुल नहीं होते हैं, दे डोंट नो हाउ टू बी इन द मोमेंट. तो वो 25 मिनट में भी सिर्फ 15 मिनट ही उस काम को कर रहे होते हैं, या शायद उससे भी कम. उन्हें लगता है कि उन्होंने अरे 25 मिनट का काम कर लिया ना. 25 मिनट का काम मतलब 25 मिनट का काम, एंड दैट रिक्वायर्स यू टू बी माइंडफुल. लेकिन फिर वो 5 मिनट का ब्रेक, देन अगेन 25 मिनट्स, देन 5, देन 25, देन 5, यू हैव द इंटरसेक्शन ऑफ माइंडफुलनेस एंड प्रोडक्टिविटी. तो तीन ऐसी चीजें जो आप अपनी जिंदगी में कल से शुरू कर सकते हैं टू बी बोथ माइंडफुल एंड प्रोडक्टिव. नंबर एक, अपने दिन की शुरुआत एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी से करिए. दिस विल सेट अप योर डे. जैसे मैं मेडिटेट करता हूं, आप मेडिटेट कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, आप सिर्फ एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, बट एनीथिंग दैट गेट्स यू टू बी माइंडफुल, उस मोमेंट में प्रेजेंट होना. व्हाई दिस हेल्प्स इज क्योंकि आपका एक धीरे धीरे रूटीन बनने लगता है. यू ट्रेन योर माइंड टू फील अ सर्टन वे द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, एंड जब आप ये करते हैं, इट सेट्स द एजेंडा एंड द मूड फॉर द रेस्ट ऑफ द डे. उस पीरियड में आप ये भी रियलाइज करेंगे कि आपका उस मोमेंट का इमोशन क्या है. आर यू एक्चुअली फीलिंग टायर्ड, और मे बी यू फीलिंग स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग, एंड वो जब आप रिकॉग्नाइज करते हैं ना, यू नो व्हाट यू कैन डू टू हैंडल इट. नंबर दो, दिन में माइंडफुल ब्रेक्स लीजिए. जैसे कि मैंने बताया, हमारा दिमाग जो है वो बहुत सारे काम के लिए नहीं बना है, पर्टिकुलरली जब कॉन्टेक्स्ट स्विच करना होता है. आप एक काम कर रहे हैं, फिर एक दूसरे काम में घुस जाते हैं, फिर तीसरे काम में घुस जाते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस इज स्विचिंग अ कॉन्टेक्स्ट जो हमारा दिमाग गेयर्ड नहीं है इंट्यूटिवली. सो टेक माइंडफुल ब्रेक्स. माइंडफुल ब्रेक्स का मतलब क्या होता है? माइंडफुल ब्रेक्स का मतलब ब्रेक्स दैट आर नॉट टू लॉन्ग, 5 मिनट करीब, बट आर विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन. आप अपना फोन नहीं यूज करेंगे, आप म्यूजिक नहीं सुनेंगे, आप ना किसी से बात करेंगे, ना किसी के आसपास होंगे, ना कुछ देख रहे होंगे, ना कुछ लिख रहे होंगे, ना कुछ पढ़ रहे होंगे, नो एक्टिविटी एट ऑल. बेस्ट है कि आप अपनी आंखें बंद करके लंबी सांसें लीजिए, नाक से पेट फुलाइए, एंड देन मुंह से लंबी सांस छोड़िए, एंड डू दैट एज मेनी टाइम्स एज यू कैन, 5, 10, 15 बार. यू विल फील योर ब्रेथ, महसूस करिएगा हर एक क्षण को. एंड व्हेन यू टेक सच माइंडफुल ब्रेक्स, द मिनट यू गेट बैक इनटू योर प्रोडक्टिव सेल्फ, दैट्स इट. बहुत अलग लेवल पे आपकी प्रोडक्टिविटी दिखने लगती है, झलकने लगती है. नंबर तीन, एंड योर डे विद अ रिफ्लेक्शन. ये ब्रिलियंट तरीका है फॉर यू टू गैदर एवरीथिंग एंड ब्रिंग इट टू क्लोजर. दिन के खत्म होते हुए सोने से पहले ना आप फोन देखेंगे, ना आप कुछ पढ़ेंगे, ना आप कुछ सुनेंगे, आप अपने साथ बैठेंगे. इट कुड बी अ रिफ्लेक्शन दैट यू राइट आउट, वो प्रेफर्ड है, आइडियल है. बट कुड ऑल्सो बी समथिंग दैट यू रिकॉर्ड ऑन अ वॉइस नोट या एक वीडियो, जो भी आप कंफर्टेबल. एंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज लुक एट द डे एंड फिगर कि कहां कहां आप भटक गए, आपका दिमाग भटक गया, आपका ध्यान हट गया, एंड यू विल मेक अ नोट ऑफ इट. फिक्स नहीं करना है, इम्प्रूव नहीं करना है, अपने आप को ये वादे नहीं देने कि अगली बार से नहीं करेंगे, नथिंग. सिर्फ और सिर्फ उन मोमेंट्स को रिकग्नाइज करना है. हमारा दिमाग जब उन मोमेंट्स को रिकग्नाइज करेगा, वो ऑटोमेटिकली, क्योंकि आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बताना शुरू करेगा जब वो मोमेंट अगली बार आएगा कि दोस्त भटक रहे हो. एंड दैट विल मेक योर माइंडफुलनेस चार्टर स्ट्रॉन्गर. आपकी माइंडफुलनेस की टेक्निक आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाएंगे, एंड दैट विल हेल्प यू बिकम मोर एंड मोर प्रोडक्टिव ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इन कंक्लूजन, कभी भी ये गलती मत करिएगा समझने की कि माइंडफुलनेस हमारी जिंदगी को धीमा बना देता है, स्लो बना देता है, और वो सिर्फ बुढ़ापे में ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए, जब बच्चे बच्चे सब हो चुके हैं, जिंदगी जी ली है, तभी इस्तेमाल करना है ना. इफ यू आर इन योर 20s,
आई गारंटी यू, अगर आप माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करेंगे, आप हर एक इंसान से इतनी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि दे विल कंटिन्यू टू लिव देयर लाइफ विद डिस्ट्रैक्शन, लेकिन आप एकदम 100% अटेंशन एंड फोकस के साथ हर मोमेंट जिएंगे। प्रोडक्टिविटी समथिंग जो नेचुरली अपने 20s में आने ही लगती है। वी आर वेरी ईगर टू अकम्प्लिश, वी आर वेरी ईगर टू डू थिंग्स, वी आर वेरी ईगर टू लर्न न्यू थिंग्स। प्रोडक्टिविटी के ऊपर बहुत सारा लिटरेचर है, बहुत सारा कॉन्टेंट है, बहुत सारे वीडियोज बने हुए हैं, बहुत सारा कॉन्टेंट बना हुआ है, बट टू कंबाइन द टू इज अ सुपर पावर। इन टेक्निक्स के थ्रू, माइंडफुलनेस के और प्रिंसिपल्स के थ्रू एंड प्रोडक्टिविटी के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल करते हुए, यू कैन अचीव द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू इन अ वे वेरी फ्यू पीपल कैन। आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट एंड आई वुड हाईली रिकमेंड इट टू एवरी सिंगल वन ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। I hope this was useful. Ankur Variku signing off. मैंने दो किताबें अभी तक रिलीज करी हैं, Do Epic Shit and Get Epic Shit Done. Do Epic Shit is more about लाइफ के बारे में सोचना, रिफ्लेक्ट करना। बहुत सारे फेलियर जो मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुए हैं, वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करता हूँ। इन गेट एपिक शिट डन में मैं 36 ऐसे लाइफ के सवालों के जवाब देता हूँ जो हर एक इंसान की जिंदगी में उनको कभी ना कभी पूछना पड़ता है। ये दोनों किताबें 400,000 कॉपीज बेच चुकी हैं एंड आई वुड लव फॉर यू टू पिक वन ऑफ देम फॉर यू और योर बेस्ट फ्रेंड्स। लिंक पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन।